नमस्कार दोस्तों, मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फैंटेसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो गुजरात और यूपी के मुकाबले में, जैसा कि मैंने आपका आपको बताया था, जैसा आपको मैंने प्रॉमिस भी किया था कि विजय हजारे ट्रॉफी का 3 मुकाबला है। फर्स्ट मुकाबला वीडियो अपलोड हो चुका है इसी चैनल पे, ठीक है, जाकर के देख लेना। दूसरा मुकाबला ये होने वाला है और तीसरा मुकाबला बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। इस वीडियो के खत्म होते ही साथ आपको तीसरा वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में सारा कोई डिस्कस करेंगे और ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज केवल 5% का है और उनका काम बहुत ही तगड़ा वाला है। जब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपको खुद समझ में आता चला जाएगा कि हाँ भाई, आप तुम सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना। चलो एक एक प्लेयर के बारे में डिटेल से बात करते हैं, कहानी समझते हैं और 200 रुपए का गिव अवे भी है, तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे फैंटेसी टिप्स मिलेंगे, सारे प्लेयर का फुल स्टैट डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग ड्रीम इलेवन की टीम। तो चलो भैया आगे कहानी को बढ़ाते हैं, समझते हैं। इंडिया डोमेस्टिक ऑडी ट्रॉफी, जैसे कि आपको मालूम है कि 50 ओवर का ये मैच होता है, इंडिया में चलता है, तो एक चीज ध्यान रखना। यहाँ पे 9 बजे सुबह में 29 नवंबर के दिन कल आपको मैच होता हुआ दिखने वाला है। इस जो पीच पे कहानी बनता है, यहाँ पर एवरेज स्कोर जो बनता है वो 227 रन बनता है। अभी मैं पीच रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको क्या कहानी है, पेसर को ज्यादा सब डोमिनेट करता है या फिर स्पिनर को करता है, बैट्समैन को ज्यादा सपोर्ट है या फिर बॉलर को है, तो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्लाउड्स थोड़े से ब्रोकन फटे हुए हैं बादल, लेकिन देख लेंगे जगह बनेगा, मतलब जगह क्या कर रहे हैं भाई, बारिश आपको देखो, बारिश आएगी तो आएगी, लेकिन आपको मैच कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। एक चीज ध्यान रखना, मैच आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं कि किस ग्राउंड होने वाला है, सेक्टर 16 स्टेडियम में चंडीगढ़ इंडिया में मैच होने वाला है। किस ग्राउंड भैया यहाँ पर परफॉर्मेंस क्या करते हैं, तो बैटिंग साइड को यहाँ पर थोड़ा ज्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पर पेसर को यहाँ पर ज्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है बॉलिंग सेक्शन से। तो ज्यादा से ज्यादा पेसर यहाँ पर, मतलब कि फास्टर बॉलर यहाँ पर डोमिनेट करते हैं, तो उनको जितना ज्यादा अपनी टीम में लेकर जाओगे बेनिफिट में रहोगे। आगे बात करते हैं, तो गुजरात और यूपी के बीच में मैच खेला जाना है, मतलब गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच में। अभी तक के दोनों के बीच में मुकाबला एक हो रखा है 2 साल के अंडर में, तो वो भी जीत जो टीम है ना वो जीत करके आ रही है, कौन सी टीम, उत्तर प्रदेश की टीम, गुजरात को टीम को यहाँ पर मात देती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से आपको जाकर के ज्वाइन करना है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का लिंक, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो सारा कुछ अगर आप खुद समझदार हो, खुद से टीम बनाना आता है आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जाओ, आराम से जाकर के वीडियो देख करके टीम बना लेना। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी जरूरत पड़ता है, एक फैंटेसी एक्सपर्ट का जरूरत पड़ता है, तो भैया इस विजय हजारे ट्रॉफी में मेरे से बेटर कोई बढ़िया आपको नहीं जितवाने वाला है, और ना मेरे से बेटर आपको कोई ज्यादा बढ़िया समझाने वाला है। तो इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो जो हमारा गिव अवे का जो पार्टिसिपेशन है भैया, जो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हीं को ये मिलेगा। तो 200 रुपए का गिव अवे है, उसमें आपको बताना है कि सबसे ज्यादा पॉइंट ड्रीम इलेवन बैटिंग सेक्शन से कौन सा बंदा देगा और सबसे ज्यादा पॉइंट ड्रीम इलेवन बॉलिंग सेक्शन से कौन सा बंदा देगा, उसका नाम लिख देना है। कमेंट में आपको हैशटैग गुजरात वर्सेस यूपी लिख देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, इतना कहानी कर देना है। लेकिन आप हमारे सब्सक्राइबर रहना चाहिए, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं भी थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब बन जाओगे आप, मुझे मालूम है कंफर्म, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं भैया दोनों टीमों के प्लेयर के स्टैट्स वगैरह, टीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले गुजरात की जो टीम है, अभी तक इस सीरीज में 3 मुकाबला खेल करके आ रही है, पहला मुकाबला जीती, दूसरा मुकाबला हारी और तीसरा मुकाबला फिर जीत करके आ रही है। अब इनके टीम में प्लेयर कौन कौन से हैं, कैसे कहानी बनेगा, वो भी मैं चलो आपके साथ डिस्कस करते चलो। अभी तक तो टीम का परफॉर्मेंस 3 मैच में 2 जीत करके आ रही है, वो भी दोनों मतलब वीक टीम से जीती है, ये भी ध्यान रखना। ये इनका प्लेइंग 11 है, इसी अकॉर्डिंग आपको बैटिंग करती हुई टीम दिखने वाली है, तो एक चीज ध्यान रखना और इसी अकॉर्डिंग आप लेकर के जाना अपनी टीम में। अब बात करते हैं कि इनके टीम से किसको अपनी टीम में लेकर के जाना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, किसको ड्रॉप करना ज्यादा सही रहेगा, तो वो देख करके चल लेना, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो आपको समझ में कहानी आता चला जाएगा। कथन पटेल है, राइट हैंड बैट्समैन प्लस ऑफ ब्रेक बॉलिंग आपको करते हुए दिखेंगे। फर्स्ट मैच में बंदा 2 विकेट निकाला, प्लस 14 रन भी बनाया ओपनिंग करते हुए, 10 ओवर डाला था। दूसरे मैच में बॉलिंग किया ही नहीं, ठीक है, और बैटिंग से भी ज्यादा स्कोर कुछ खास नहीं कर पा रहा। तो अगर जगह बन रहा है आपकी टीम में तो ही आप इनको लेकर के जाना। और हाँ, अगर ये बॉलिंग करते हैं इस बार तो फिर टीम में प्रीफर करना, वरना अगर बॉलिंग नहीं करता है ना तो फिर आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। प्रियांक पंचल आते हैं, अपने बंदे का नाम बहुत ही तगड़ा वाला है, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं कर पा रहा है, तो मैं इनको अभी के लिए ड्रॉप कर दूंगा, स्मॉलिंग में लेकर के नहीं जाऊंगा। उसके बाद आते हैं हित पटेल, पहले मैच में बनाया 44, दूसरे मैच में बनाया 4 रन, राइट हैंडेड बैट्समैन और प्लस रिसेंटली वाले परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो वो भी आप देखते हुए चलना है, ठीक है। तो चलो इनके मैं अभी के लिए इनको प्रीफर नहीं करूंगा अपनी टीम में, हालांकि अगर आप लेकर के जाना चाहते हो, रिस्क टेकर हो, तो भैया लेकर के चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनने वाली है। आगे बात करेंगे तो क्षितिज पटेल आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, राइट हैंड बैट्समैन, प्लस 49 रन बनाया फर्स्ट मैच में, दूसरे मैच में 31 रन बनाया, चौथे पोजीशन में बैटिंग करते हुए,
ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस आपके लिए अच्छा खासा करता हुआ दिख जाएगा 36 बटे। और इनका सिलेक्शन जगह देख लेना आप, 2% भी नहीं है भैया, 2% भी नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे लोग का सिलेक्शन बढ़ा हुआ है जो परफॉर्मेंस आपको नहीं करने वाला, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बता दिया था। ठीक है, सौरभ चौहान है राइट हैंड बैट्समैन, पहले फर्स्ट मैच में 108 रन बनाया, दूसरे मैच में 5 रन, तीसरे मैच में 18 रन, कोई मिलाकर के इसका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। और जो 108 रन बनाया ना वो त्रिपुरा के खिलाफ बनाया, तो इनको आप ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं अभी के लिए इनको प्रीफर बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, आप भी मत करना, बिकॉज सांगल जो टीम है ना उत्तर प्रदेश की टीम है, इनको खा जाएगी है। ठीक है, इनका विकेट गिर जाएगा। अगर बात करेंगे तो चिराग गांधी आपको दिख जाएंगे राइट हैंड बैट्समैन, प्लस फर्स्ट मैच में 74 रन बनाया, दूसरे मैच में 43 रन बनाया, परफॉर्मेंस इनका बहुत ही अच्छा खासा वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं भी बैटिंग करे इनकी टीम, पहले बैटिंग करे बॉलिंग करे इनको रख लेना अपनी टीम में। ठीक है, चिंतन गाजा जो कि इस टीम का कैप्टन है आपको दिख जाएगा, एक विकेट निकाला फर्स्ट मैच में, दूसरे मैच में 1 विकेट और तीसरे मैच में 2 विकेट, हालांकि ओवर फर्स्ट मैच में 6 ही डाला, फिर दूसरे मैच में 10 डाला, फिर तीसरे मैच में 6 ओवर डाला, कुल मिलाकर परफॉर्मेंस इनका अच्छा खासा, राइट हैंड मीडियम आपको बॉलिंग करता हुआ दिखेगा, ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो बंदा था पीयूष चावला जो कि एकदम बहुत ही तगड़ा वाला दिग्गज खिलाड़ी, एक्सपीरियंस प्लेयर, 100% मेरे टीम में रहेंगे लेग ब्रेक, और इनका हर मैच में परफॉर्मेंस देख लो, और जो जो टीम में ये बंदा आईपीएल में भी खेला है ना वो टीम चैंपियन बनी है भाई, ये भी चीज आप देख लेना, बहुत ही तगड़ा वाला बॉलर है। 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब। विशाल जसवाल आप इनका देखोगे ना तो इनका भी अच्छा खासा स्टैट्स है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, लेकिन कुछ खास उतना बनेगा नहीं, ग्राइंडिंग में प्रेफर करना है, स्मॉलिंग में नहीं। ठीक है, आगे बात कर ग्रैंडिंग या स्मॉलिंग, समझ रहे हो ना भाई, स्मॉलिंग में मतलब होता है 2 मेंबर वाले या 3 मेंबर वाले या मैक्सिमम 4 मेंबर वाले आप खेल रहे हो, ग्रैंडिंग हो गया ना कि 5,000 मेंबर वाले, 10,000 मेंबर वाले, लाख वाले मेंबर, उसमें आप ग्रैंडिंग टीम में ट्राई करना। ठीक है, तो जयवीर परमार आप राइट हैंड मीडियम फास्ट को बॉलिंग करता हुआ दिखेगा, और ये बंदा कुछ खास उतना है नहीं तो ट्राई कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। अर्जन नगस वाला इससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा, हर मैच में 8 ओवर 10 ओवर 6 ओवर डाला है, और विकेट भी पहले मैच में 1 निकाला, फिर दूसरे मैच में 3 विकेट और तीसरे मैच में 1 विकेट, लेफ्ट आर्म मीडियम आपको बॉलिंग करता हुआ दिखेगा, इंपॉर्टेंट बंदा बनेगा। नेक्स्ट जो बंदा आता है वो उर्विल पटेल, अभी तक एक ही मैच मुकाबला खेला है जिसमें 100 रन बना करके आ रहा है, ठीक है, लास्ट वाले मुकाबले में, और वो भी बहुत ही वीक टीम से मैच था, तो एक चीज ध्यान रख लेना। और रिसेंटली परफॉर्मेंस की कुछ खास है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस कर गया था। और बाकी सारे जो आते हैं आर्यन देसाई कुछ खास नहीं बनेगा, और बाकी सारे आते हैं बिन्स के प्लेयर, अगर इनमें से कोई खेलता है तो विद स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सारा कुछ टेलीग्राम पे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब जब कर लोगे तो बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको फट से मिल जाए। इसके अभी बहुत सारे मैचेज हैं और कल 1-2 मैचेज और भी बहुत अच्छे खासे आने वाले हैं, आने वाले नहीं है बाकी कल हैं भाई, और उसका वीडियो मैं देने वाला हूं आपको एक एक करके, तो इसीलिए बता रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी नहीं भी लग रही है ना तो भैया एक आधो वीडियो और देख लोगे ना तो अच्छी लगने लगेगी, तो उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो ये सारे बेंच के प्लेयर हैं, इनमें से कोई खेलेगा नहीं, हालांकि कोई खेलता है तो विद स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पे मैंने बता रखा आपको कर दूंगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो टीम है इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट मुकाबला जीत करके आ रही टीम, दूसरा मुकाबला हार करके आ रही टीम, अभी तक 2 ही मुकाबला खेली गई सीरीज में, अब इनके प्लेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये सारे बंदे आपको खेलते हुए दिखेंगे, देख लो आप यहाँ से कहानी इनका क्या रहने वाला है। अब चलो इनके बैटिंग स्टाइल भी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, तो ये भी आप देख लेना बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है भाई। आगे बात करोगे तो यहाँ से देखोगे तो माधव कौशिक आपको दिख जाएंगे राइट हैंड बैट्समैन, प्लस आप यहाँ पे देखोगे ना इनका बैटिंग स्टाइल देखोगे ना तो 28 रन बंदा बना के आ रहा है, दूसरे मैच में 24 रन बना रहा है। ठीक है, तो माधव कौशिक आपके लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा, 100% आप अपनी टीम में लेके जाओ, ओपनिंग कर रहा है बंदा एकदम डिसेंट पीक है, मतलब तगड़ा रहेगा। ठीक है, इनको लेकर के चले जाना है। स्वास्तिक चिकारा इनका परफॉर्मेंस देखोगे आप भी जाकर के ड्रिल पे तो 2% का सिलेक्शन है, इनका भी 2-4% है, ऐसे लगभग 4% के लमसम में होगा सिलेक्शन इनका, और बंदा एक मैच में 117 रन बना करके आ रहा है, आप समझ रहे हो ना किस लेवल का ये बंदा तगड़ा वाला परफॉर्मेंस करके आपको दे सकता है, तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, लेकर के जाना अगर आपकी टीम में जगह बन पा रहा है तो। ठीक है, बाकी सारे इनके रिसेंटली के परफॉर्मेंस है, ऊपर देखोगे तो राइट हैंड बैट्समैन प्लस ऑफ स्पिन आपको बॉलिंग करता हुआ दिखेगा, नीचे देखोगे तो प्रियम गर्ग है, अभी तक 2 मुकाबला खेला और बहुत ही शानदार वाला परफॉर्मेंस, बल्कि मेरे लगता है ना कि मेरे ड्रीम 11 टीम का सीसी और वीसी मैं इनको बनाऊंगा, मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन मैं इनको तो जरूर कुछ ना कुछ देने वाला हूं, तो एक चीज ध्यान रखना 74 और 46 रन बंदा बनाकर कह रहा है राइट हैंड बैट्समैन है, बहुत ही तगड़ा वाला परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट जो आता है नीतीश राणा जो कि टीम का कैप्टन है, जो कि मेरे टीम का भी शायद कैप्टन रहेगा, बॉलिंग बैटिंग दोनों करना जान रहा है भाई, बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस देख लो, पहले मैच में 9 ओवर डाल करके 1 विकेट, दूसरे मैच में 10 ओवर डाल करके 3 विकेट, और बैटिंग से भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है, तो 100% मेरे टीम में रहेगा, परफॉर्मेंस भी इनका लाजवाब है। आगे बात करते हैं तो समीर रिजवी आपको दिख जाएंगे, कुछ खास यहाँ पर परफॉर्मेंस इनका नहीं है। उसके बाद हैं भुवनेश्वर कुमार, आपको मालूम है भैया कितना तगड़ा वाला बंदा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हालांकि इनका टीम इंडिया टीम में भी जगह नहीं बन पा रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको लाजवाब करके देने वाला है। ठीक है, उसके बाद है ध्रुव जोरे,
कुछ खास इनका स्टैट्स है नहीं, विकेट कीपिंग सेशन आपको दिखेगा। जसवीर धनकर कुछ खास नहीं है, यश दयाल का देखोगे तो पहले मैच में 9 ओवर डाला, 2 विकेट निकाला, लेटा मीडियम फास्ट को बॉलिंग करेगा, और दूसरे मैच में 10 ओवर डाला, विकेट नहीं मिला हालांकि, लेकिन परफॉर्मेंस करेगा भाई, ठीक है। कार्तिक त्यागी दोनों मैच में 3-3 विकेट निकाल करके आ रहा है और बहुत ही तगड़ा वाला बंदा है, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलता है और परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, राइट हैंड फास्ट आपको बॉलिंग करता है और रिसेंटली वाले इनके भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस हैं। शिवा सिंह कुछ खास उतना बनने वाला है नहीं तो मैं अभी के लिए प्रीफर नहीं करूंगा। आर्यन ज्वाल कुछ खास नहीं है और बाकी सारे बेंच के प्लेयर वही कहानी, सारा कुछ मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम पर अगर कोई खेलता है तो, ठीक है। जैसे इसमें एक है बंदे अंकित राजपूत, ये बहुत ही तगड़ा वाला बंदा है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है सौरभ कुमार, अगर कल के मैचेस ये खेल गया ना, अब रिसेंटली वाले परफॉर्मेंस इनका देख लो, 46 रन 10 विकेट है, 10 विकेट बंदा निकाल के आ रहा है टेस्ट में, उसके बाद 21 रन 0 विकेट है, फिर 1 विकेट है, फिर 1 विकेट है, बंदा बहुत ही तगड़ा वाला है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, एक चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। अब चलो इनके टीम भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जब इतना सारा कुछ कहानी डिस्कस कर लिए हैं तो टीम भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, गिव अवे पार्टिसिपेट जरूर करना है, वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में बताना है। आगे बात करते हैं तो दोस्तों, मैंने यहाँ से विकेट कीपिंग से उर्वीर पटेल को रख लिया है, बैटिंग से मैंने चिराग गांधी, प्रियम गर्ग और माधव कौशिक को रखा है, ऑलराउंडर से मैंने नीतीश राणा और कथन पटेल को रखा है, बॉलिंग से मैंने पीयूष चावला, भुवनेश्वर कुमार, चिंतन गांजा, अर्जुन नगरवाला और कार्तिक त्यागी को रखा है, सी मैंने बनाया मतलब कैप्टन मैंने नीतीश राणा को बनाया और एस कटे मेरे प्रियम गर्ग हैं। अभी के लिए ये बिल्कुल ही फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको जो भी होगा वो टेलीग्राम पे मिलेगा, सारा कुछ टॉस पे निर्भर करेगा, टॉस कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है, पहले बैटिंग कर रही है, उस हिसाब से फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों, और इसका एक और मुकाबला इसी सीरीज का, उसके बाद दूसरे सीरीज के और भी बहुत सारे मुकाबले हैं, वो भी वीडियो आपको मिलते चला जाएगा एक एक कर करके। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नदर ट्रिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय हिंद।